भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा पर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे का पलटवार। पिछले दिनों बैतूल कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा होशंगाबाद में हुए कथित रेत घोटाले को लेकर पूछे गए सवाल पर आरोप लगाते हुए कहा था कि दिग्विजय सिंह आतंकवाद का समर्थन करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते हैं, दिग्विजय सिंह दलाली लेकर नेताओं को बदनाम करने का टेंडर लेते हैं। इस पर कांग्रेस के तेज तर्रार विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे ने वी इंडिया न्यूज संवाददाता सचिन पात्रेकर को दिए गए इंटरव्यू में जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते हुए दिग्विजय सिंह ने किसानों के बिजली बिल माफ किए, पंचायती राज लागू किया। इन 10 सालों में पूर्व मुख्यमंत्री पर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, जबकि वर्तमान सरकार पर कई प्रकार के आरोप लगते रहते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे ने बीडी शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के संरक्षण में नर्मदा जी को धरनी किया जा रहा है, इन पर सब भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और बौखलाहट में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। और 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने किसानों के लिए बिजली बिल माफ किया, 3 आस पावर, 5 आस पावर का, पंचायती राज लागू किया और अनेक ऐसे क्रांतिकारी कार्य इस प्रदेश के जनता के हित में किए। और 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए कोई एक आरोप भी उनके ऊपर नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है, उनके बारे में कई प्रकार के आरोप लगाए, लेकिन सरकार रहते हुए एक भी आरोप या कोई उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा कायम नहीं कर सकते। इससे साबित होता है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी बड़े पाक साफ है और उनका कार्यकाल भी बहुत ही पाक साफ रहा है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो पूरा नर्मदा जी को छलनी कर दिया, पूरे भारतीय जनता पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे हैं वीडी शर्मा, इनके संरक्षण में नर्मदा जी को छलनी करने का काम किया जा रहा है। यदि डायरेक्ट इनके ऊपर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, तो ये तिलमिला जाते हैं, बौखला जाते हैं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आता है और ये उसमें लिप्त है, इसलिए बौखला गए है। और बौखलाहट में वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को कभी आतंकवादी की तरफ जोड़ देते हैं, कभी हिंदू विरोधी जोड़ देते हैं। अरे मुद्दे की बात यह है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उसका जवाब देना चाहिए पत्रकारों को, तो वो इधर उधर की बात करके अपने आप अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करते हैं।